हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ पीआईबी 24/7। मैं हूं मनीष मिश्रा एंड इन दिस सेशन आई विल ब्रिंग टू यू अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ फाइव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द पीआईबी न्यूज। गाइस, दिस सेशन इज बेनिफिशियल फॉर वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, स्टेट पीएससी, आरबीआई ग्रेड बी एंड एटसेट्रा। सो कीप वॉचिंग दीज सेशंस एंड स्प्रेड द नॉलेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट न्यूज, विच इज अबाउट द प्रज्ञता गाइडलाइंस ऑन डिजिटल एजुकेशन। सो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने प्रज्ञता गाइडलाइंस लॉन्च किया है ऑन डिजिटल एजुकेशन। दीज गाइडलाइंस इज प्रिपेयर्ड बाय एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एंड प्रज्ञता, गाइज, इट इज अ संस्कृत वर्ड विच इन इंग्लिश मीन्स अ पर्सन हु इज इंटेलिजेंट, और वी कैन से इन सिंपल वर्ड्स इंटेलिजेंस। प्रज्ञता इज अ संस्कृत वर्ड विच इन इंग्लिश मीन्स इंटेलिजेंस। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज द एम बिहाइंड लॉन्चिंग दीज गाइडलाइंस। So guys, we all know that in the wake of COVID-19, there is a utmost need of digital education because all the schools are closed, sare schools closed hain, sare tuition centers closed hain, sare coaching classes closed hain. So humme apne students ko education provide karana band nahi kar sakte. For that, focusing on digital education for student, is guideline ko launch kiya gaya, and also to provide a roadmap for carrying forward online education. जो हमारा ऑनलाइन एजुकेशन है उसका फ्यूचर कैसा होगा, उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए एक रोड मैप बनाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दीज गाइडलाइंस विच आर नोन एज प्रज्ञता गाइडलाइंस। राइट, नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड इन द इम्प्लीमेंटेशन, और वी कैन से व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड इन इम्पार्टिंग द डिजिटल एजुकेशन टू स्टूडेंट्स। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द लीडर्स ऑफ द स्कूल और द हेड्स ऑफ द स्कूल हैव टू प्लान हाउ विल दे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर टू देयर स्टूडेंट्स एंड देयर टीचर्स। किस तरीके से उनको आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर उनके टीचर्स को और उनके स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराया जाएगा। एंड अदर देन दिस, टीचर्स हैव टू प्लान हाउ विल दे टीच, हाउ विल दे टीच देयर स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द लेसन प्लान्स, हाउ विल दे मोटिवेट स्टूडेंट्स टू टेक पार्ट, टू टेक इंटरेस्ट इन दीज ऑनलाइन सेशन। सो दीज आर द पार्ट ऑफ प्लानिंग। एंड आफ्टर प्लानिंग, आफ्टर प्लानिंग इज डन, दिस प्लान विल बी रिव्यूड बाय द टीचर्स एंड द लीडर्स ऑफ द स्कूल कि किस तरीके की प्लानिंग हमारी हुई है और उसका क्या रिव्यू है। ऑलराइट, रिव्यू का मतलब यह है गाइस कि जैसे फॉर एग्जांपल कि टीचर ने कोई क्लास ली एंड दो तीन चार क्लासेस ली, एंड देन उसके बाद उन्होंने रिव्यू किया कि जो ड्यूरेशन ऑफ द क्लास है वो ठीक है या नहीं है। ऑलराइट, जो असाइनमेंट्स के स्कोप है दैट इज फाइन और नॉट, असेसमेंट का नेचर सही है या नहीं। सो द टीचर एंड द लीडर्स ऑफ द स्कूल विल रिव्यू ऑल दीज। एंड आफ्टर दिस, आफ्टर कलेक्शन ऑफ ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, they will arrange all the data which will be used for analysis, monthly analysis, weekly analysis or daily analysis. All right, and after arranging the data, they will guide the students on which topics they have to prepare themselves, kin topic pe unko self study karna hai, and then kin topic ko unko online online classes ke through study karna hai. All right, and after guidance, there is a talk session. Matlab ye talk ka matlab guys, ye wo chit chats nahi hai jo ki classes ke dauran hum log karte hain. ये टॉक का मतलब ये है कि ड्यूरिंग द ऑनलाइन सेशंस टॉक मस्ट गो ऑन, एंड दीज टॉक्स आर रिलेटेड टू द एजुकेशनल कंटेंट ओनली जो कि उस समय पढ़ाया जा रहा है। ओके, सो इस टॉक से ये होगा कि जो स्टूडेंट है उसका इंटरेस्ट बना रहेगा इन द क्लासेस, बिकॉज क्लास में यू नो कि एक लाइव इंटरेक्शन होता है बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स, सो उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरेस्ट बना रहता है। बट इन द वर्चुअल वर्ल्ड इट इज नॉट पॉसिबल, सो कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरेस्ट बना रहे, जिसकी वजह से ये जो टॉक्स है दैट मस्ट गो ऑन। And after that, during the online session, teacher have to assign some homework, some assignments to the students. Okay, and उन assignments का track रखना भी जरूरी है कि वो students वो complete कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। And after that, after the completion of each and every task, हर task के complete होने के बाद, teacher must appreciate student किसी भी तरीके से वो उनको appreciate कर सकते हैं, call कर सकते हैं, message कर सकते हैं, या फिर किसी भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन से टीचर विल हैव टू अप्रिशिएट स्टूडेंट ऑन द कम्प्लीशन ऑफ एनी टास्क। ऑलराइट गाइस, सो आई होप आपको ये सारे स्टेप्स क्लियर हैं। सो दीज आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड व्हाइल इंपार्टिंग डिजिटल एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट आर द रिकमेंडेड स्क्रीन टाइम फॉर द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ स्टूडेंट्स। सो फॉर प्री प्राइमरी मैक्सिमम ऑफ 30 मिनट्स होगा स्क्रीन टाइम, फॉर क्लास फर्स्ट टू एट इट विल बी मैक्सिमम ऑफ 1.5 आवर्स, एंड फॉर क्लासेस 9 टू 12 इट विल बी मैक्सिमम 3 आवर्स। Alright, so these are the maximum recommended time for pre-primary, class 1st to 8 and class 9 to 10. This question guys can be asked in the exam, although its probability is very less, but yes, it can be asked. Alright, now what are the points which are to be pondered while
ग्रांटिंग डिजिटल एजुकेशन, जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे हेड्स ऑफ द स्कूल हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनको किन बातों का ध्यान रखना है डिजिटल एजुकेशन के समय। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नीड असेसमेंट। नीड असेसमेंट का मतलब ये है कि किस तरीके की नीड्स हैं उनको असेस करना है बाय द हेड्स ऑफ द स्कूल। जो हेड्स ऑफ द स्कूल हैं उनको असेस करना पड़ेगा कि हमें आईसीटी का कितना जरूरत है, एक छोटे बच्चे को, एक स्टूडेंट को हम किस तरीके से एक डिजिटल एजुकेशन इम्पार्ट करने में उसको एनकरेज कर सकते हैं। सो सभी नीड्स का असेसमेंट किया जाएगा बाय द लीडर्स ऑफ द स्कूल और वी कैन से द हेड्स ऑफ द स्कूल, राइट। एंड अदर कंसर्न्स लाइक ड्यूरेशन ऑफ द क्लास, स्क्रीन टाइम, सो दीज ऑल थिंग्स आर हैव टू बी कीप इन माइंड व्हाइल इम्पार्टिंग डिजिटल एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। एंड अदर देन दिस, जो स्टूडेंट्स हैं उनके फिजिकल और मेंटल वेलबींग का भी ध्यान रखना पड़ेगा, लाइक फोन पकड़ते वक्त या लैपटॉप पकड़ते वक्त या टैब पकड़ते वक्त किस तरीके से बैठना है, लाइक इफ वी सीन दिस पिक्चर, सो दिस इज द राइट वे ऑफ सिटिंग व्हाइल दिस इज द रॉन्ग वे, ऑलराइट। सो इस तरीके की चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज वी ऑल नो कि जो लैपटॉप्स हैं, टैब्स हैं और जो मोबाइल फोन है उनकी रोशनी से आंखों पर फर्क पड़ेगा इनफैक्ट। एंड अदर देन दिस, जो उनकी स्पाइनल कॉर्ड है वो भी, उस पर भी इफेक्ट आएगा बिकॉज बैठे बैठे, और जो हमारा ये नेक वाला पोर्शन होता है वहां पे भी इफेक्ट आ सकता है। अदर देन दिस, मेंटली भी स्टूडेंट को काफी ज्यादा इफेक्ट करेगा बिकॉज दे आर रिजाइडिंग इन देयर होम्स नाउ, वो अपने फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे हैं, वो अपने अपने प्लेग्राउंड्स वगैरह में खेल नहीं पा रहे हैं। सो फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग का भी ध्यान रखना पड़ेगा। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, साइबर सेफ्टी एंड एथिकल प्रैक्टिसेस। नाउ इफ यू टॉक अबाउट ऑनलाइन क्लासेस, तो आप सबने वायरल वीडियोज कुछ देखे होंगे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि फेक आईडीज बना के क्लासेस को ज्वाइन करते हैं एंड देन दे आर keep on talking, keep on disturbing the class, keep on disturbing the teacher, right? So these practices, इन practices को हमें remove करना होगा। And of course हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि students के जो भी devices हैं या जो teachers के devices हैं उसमें किसी तरीके का कोई hacking ना हो, कोई virus ना है। So we have to secure the cyber safety also. So these are some points guys we have to remember while granting digital education to the students. Alright, and in these guidelines, there will be some special support that will be provided to those children which have some special needs, like unke liye alag se audio books, sign language videos develop ki jayengi, developing and using resources like audio books, sign language videos, alright, and un students ko encourage kiya jayega ki wo program ko, jo sign language ke programs hote hain related to educational content, unko dekhen, and then they can also ask the doubts in any mode of communication, like recording करके वो doubt पूछ सकते हैं, hand gestures के through वो अपने doubts पूछ सकते हैं, alright. And other than this, उनको flexibility provide कराई जाएगी in submitting the assignments. जो assignments है उनको submit करने के लिए उनको flexibility provide कराई जाएगी, वो किसी भी तरीके से अपने assignments को जमा कर सकते हैं, submit कर सकते हैं, like for example they can record their assignments and they can use audio visual hand gestures while submitting their assignments. So these are some special support that will be provided to those children which have some special needs. All right. Now guys, under PM E Vidya program, अब आप सबने सुना होगा कि एक PM E Vidya program है, उसके अंडर बहुत सारे जितने भी हमारे डिजिटल एजुकेशन के इनिशिएटिव हैं उनको यूनिफाई कर दिया जाएगा, उन सबको एक प्रोग्राम के अंदर डाल दिया जाएगा बिकॉज देर आर वेरियस डिफरेंट प्रोग्राम्स रिलेटेड टू डिजिटल एजुकेशन। उन सभी प्रोग्राम्स को अब पीएम ई विद्या प्रोग्राम के अंदर मर्ज कर दिया जाएगा, यूनिफाई कर दिया जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल दीक्षा प्लेटफॉर्म के बारे में आप सबने सुना होगा, दीक्षा स्टैंड्स फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, आप सबने सुना होगा। इट वॉज लॉन्च इन द ईयर 2017 एज नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर्स, बट ये लॉन्च तो हुआ था एज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर्स, बट नाउअडेज इस पे बहुत सारे, इस पोर्टल पे बहुत सारे अदर इनिशिएटिव भी लॉन्च किए गए हैं। लाइक अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था there was one Vidyadan 2.0 portal that was launched, one I got portal that was also launched on Diksha portal, right? So these are some initiatives that are taking place on the Diksha portal also, and now Diksha portal will be unified with PM E Vidya program, right? Now if you talk about Swayam portal, so Swayam was also launched in the year 2017, aur isme kya hota hai, isme class 9 se leke post graduate tak ke sabhi courses available hote hain jo ki classroom mein padhaye jate hain, okay? Class 9 se leke पोस्ट ग्रेजुएट तक के सभी कोर्सेज अवेलेबल होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि क्लासरूम में पढ़ाए जाते हैं, ऑलराइट। एंड दिस वाज आल्सो लॉन्च्ड इन द ईयर 2017। एंड इफ यू टॉक अबाउट स्वयंप्रभा, सो स्वयंप्रभा इज अ ग्रुप ऑफ 32 डीटीएच चैनल्स
जिनके ऊपर हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट टेलीकास्ट होता है विद द हेल्प ऑफ GSAT-15 सैटेलाइट। सैटेलाइट का नाम भी याद रखेंगे। सो दी स्वयंप्रभा इज अ ग्रुप ऑफ 38 DTH चैनल्स ऑन विच हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट इज टेलीकास्टेड विद द हेल्प ऑफ GSAT-15 सैटेलाइट। ऑलराइट, एंड अदर देन दिस देयर इज वन रेडियो चैनल विच इज नोन एज रेडियो वाहिनी। ये भी एक एजुकेशनल रेडियो चैनल है, इसको भी मर्ज किया जाएगा अंडर PM ई विद्या प्रोग्राम। ओके, एंड अदर देन दिस गाइज देर इज वन शिक्षा वाहिनी, ऑनलाइन कोचिंग ITPAL फॉर IIT, JEE, NEET प्रिपरेशन, एंड जो स्पेशल ई कंटेंट विजुअली और हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। इन सभी डिजिटल इनिशिएटिव्स को जो कि एजुकेशन के लिए लिए गए हैं, उन सबको मर्ज कर दिया जाएगा अंडर PM ई विद्या प्रोग्राम। ओके, नाउ गाइज एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि इन गाइडलाइंस का जरूरत क्या पड़ गया हमें ऐसा एकदम से, वॉट इज द नीड ऑफ दीज गाइडलाइंस। सो गाइज सबसे पहली बात तो ये है, वन सेकेंड, यस, सो सबसे पहली बात तो गाइज ये है दैट ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो आज की डेट में नीड ऑफ द आवर बन चुका है, बिकॉज वी ऑल नो सारे स्कूल्स बंद पड़े हैं, कॉलेजेस बंद पड़े हैं, ट्यूशन सेंटर्स बंद पड़े हैं, अदर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं बड़े बड़े, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। सो स्टूडेंट्स की एजुकेशन को हम नहीं रोक सकते, तो वी हैव टू लॉन्च दीज काइंड ऑफ गाइडलाइंस ताकि जो हमारा डिजिटल एजुकेशन है हम उसको स्ट्रेंथन कर सके। वी हैव टू स्ट्रेंथन अवर डिजिटल एजुकेशन सो दैट एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट गो ऑन। ऑलराइट, एंड अदर देन दिस, सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर आई होप। एंड अदर देन दिस गाइज, वी ऑल नो दैट आर वर्ल्ड इज प्रोग्रेसिंग डिजिटली इन अ वाइल्ड मैनर। जो हमारा दुनिया, पूरा दुनिया है डिजिटली ग्रो कर रहा है, और इस डिजिटली ग्रोइंग वर्ल्ड में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं अगर वो कम्पीट करेंगे तो उनका भी डिजिटाइज होना जरूरी है। आज के जैसे हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के जमाने में, इन टूडेज वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, वी हैव टू ट्रेन आवर स्टूडेंट्स, वी हैव टू मेक देम एम्पावर्ड, डिजिटली एम्पावर्ड, सो दैट दे कैन ऑल्सो कम्पीट इन दिस डिजिटली ग्रोइंग वर्ल्ड। राइट, एंड अदर देन दिस गाइज, वी ऑल नो ई लर्निंग इज द ग्रीनर ऑप्शन। नोटबुक्स की जरूरत कम पड़ेगी, और इनफैक्ट और नोटबुक्स की जरूरत कम पड़ेगी तो ऑब्वियसली पेड़ कम कटेंगे, सो ई लर्निंग इज द ग्रीनर ऑप्शन। So these are some needs of launching these guidelines, Pragyata guidelines. Yes, which are named as Pragyata guidelines. All right. Now, guys, there are three questions based on these guidelines. So now let's move on to question number one. Before question one, there is some information is given. And guys, I hope आपको सारे guidelines के सारे provisions clear हैं. And अगर आपको कोई doubt हो तो please comment में लिख के जरूर पूछें. All right. So there is some information is given. Let us first read out that information. So Union HRD Minister Shri Ramesh Pokhariyal Nishank released guidelines on digital education through online medium. Shri Ramesh Pokhariyal Nishank, whose Lok Sabha constituency guys is Haridwar, all right, said that COVID-19 pandemic has led to closures of school and has impacted over 240 million children of the country who are enrolled in schools. So it is the need of the hour to release the guidelines on digital education. All right, there is some information. Now, based on this information, you have to answer three questions. 1, 2, 3. Okay. So question number one is, recently Union HRD Minister has released guidelines on digital education to cope with problems faced by the students due to closure of schools. What is the title of guidelines? Ye jo guidelines hai, inka naam kya hai? Inka title kya hai? So guys, abhi humne discuss kiya that the name of the guidelines is what? Pragyata guidelines, which is a Sanskrit word, which in English means intelligence. All right. So option D, Pragyata, is the correct answer. Now question number two is, which of the following is not one of the steps that are to be followed while implementing the Pragyata guidelines? Pragyata guidelines ko follow karte vakt, inme se kaun se step hai jinko follow nahi karna hai? All right. So guide is there, talk is there, assign is there, track is there. So guys, learning उसमें से एक step नहीं था, although learning जो है वो obviously it is a part of digital education, but yes, जो हमने 8 step पढ़े that is provided by the Pragyata guidelines, उसमें से learning एक नहीं है. So option E will be the correct answer to this question. Okay. Now which of the following initiatives have been unified under PM E Vidya program? PM E Vidya program के अंदर इनमें से कौन से initiatives हैं जिनको unify किया जाएगा? So number one is Swayamprabha, दीक्षा, स्वयं, ऑनलाइन कोचिंग, ITPAL, यस, सो इन सभी को यूनिफाई कर दिया जाएगा, इन सभी को मर्ज कर दिया जाएगा अंडर PM ई विद्या प्रोग्राम। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव। सो गाइज, आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर हैं, एंड आपको पूरा का पूरा प्रज्ञता गाइडलाइंस भी क्लियर है।
Now let's move on to question number 4. So Indian Railways has created post-COVID coach to fight against COVID-19 and to provide passengers a safe journey. Which of the following is incorrect with respect to the features of this coach? Alright, so recently Indian Railways ne post-COVID coach launch kiya hai to fight against COVID-19. So hume ye batana hai ki inme se kya incorrect hai with respect to the features of this coach. Alright, so let us discuss about this news. So Indian Railway has created this post-COVID coach, and this coach has been developed by Rail Coach Factory Kapurthala. Rail Coach Factory Kapurthala ne isko develop kiya hai. And if you talk about the salient features of this, so guys, in these coaches there will be hand-free amenities. Hand-free amenities like jo hamare dustbins honge wo foot operated honge, jo soap dispenser honge that will also be foot operated, jo doors honge toilets ke wo bhi foot operated honge, jo flush hoga that will also be foot operated. Alright, so hand-free amenities will be provided in these coaches. Other than this, there will be copper coated handrails and latches. Why only copper coated? Because copper is the metal that degrades the virus. Alright, jo virus ko kya kar deta hai, degrade kar deta hai, jiske upar virus zyada der tak survive nahi kar sakta. Okay, and if you talk about next feature, that is plasma air purification. So guys, iske andar plasma air equipment lagaya jayega jisse ki wahan ke air ko purify kiya jayega, taki jo hamare AC coaches hote hain unke andar jo ducts hote hain, un ducts ke through virus travel kar sakta hai from one compartment to other. Okay, so us air ko purify karne ke liye plasma air purification will be used, and the coaches will be titanium dioxide coated. Jo ye coaches honge inko coat kiya jayega with titanium dioxide because it can kill the virus, bacteria, other protozoa, matlab ye sare microorganisms ko khatam kar sakta hai, and it can also enhance the air quality. All right so titanium dioxide ka istemal kyun kiya jayega? Because ye microorganisms ko khatam kar sakta hai, and it can also enhance the air quality. All right so guys, these are some basic features of these coaches, and what will be the benefits? So of course it will provide a safe journey to our passengers, because COVID-19 ki wajah se virus all over India, pure desh mein, hamare har state mein virus pahunch chuka hai. So hame passengers ko agar safe journey provide karani hai, to uske liye hame hamare coaches ko us tarike se taiyar karna hoga. All right and ek bar hame jo passengers hain, अगर वो ट्रस्ट उनको ट्रस्ट हो जाता है दैट नाउ द रेलवे इज सेफ, सो जो हमारी पैसेंजर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी ऑफ कोर्स इंक्रीज होगी इन द रेलवे, एंड देयर बाय जो भी इकोनॉमिक लॉस होगा रेलवे का वो भी रिड्यूस होने लगेगा. सो दीज आर सम बेनिफिट्स गाइस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन वाज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फीचर्स. सो ऑप्शन ए इज हैंड्स फ्री अमेनिटीज विल बी देयर, यस. हैंड रेल्स एंड लैचेस विल बी जिंक कोटेड, नो गाइस दैट विल नॉट बी जिंक कोटेड, that will be what copper coated, because copper jo hai wahan pe virus zyada der tak survive nahi kar sakta, after few hours jo virus hai wo khatam ho jata hai, wo destroy ho jata hai. Right, so therefore the correct answer will be what, option B, because incorrect humse pucha incorrect feature, so zinc coated nahi hai wo, copper coated hai. Okay, now let's move on to question number 5, which is the last question for today. So question 5 is, with respect to the steps taken by Ministry of Earth Sciences to mitigate the risk of thunderstorm and lightning, identify the correct statement. So thunderstorm और lightning के risk को reduce करने के लिए Ministry of Earth Sciences ने कुछ steps लिए हैं, तो हमें बताना है कि हमें incorrect statement बताने हैं with respect to those steps. Okay, so let us discuss this. So guys, recently there was one webinar that was conducted on thunderstorms and lightnings by NIDM and IMD. Alright, NIDM और IMD ने मिलके दोनों ने एक webinar conduct किया था on thunderstorms and lightnings, और इसमें सभी stakeholders को invite किया गया था. Right, and what were the objectives behind launching these guidelines? So we have to enhance the human capacity in terms of better understanding about the thunderstorm and the lightning. Human capacity ko hume enhance karna hai taki hum zyada samajh sake about the thunderstorm and lightning, and then act kar sake accordingly. Jo hamare actions honge wo tabhi acche ho payenge jab hum us proper cheez ko acche se samajh paye. All right and next is for reducing the risk and enhancing the resilience among the affected stakeholders by implementing the Sendai framework. Sendai framework ko implement karte hue hame risk ko reduce karna hai aur resilience ko badhana hai among the stakeholders. Jitne bhi log usse affected hain un sabhi ke andar hame resilience ko increase karna hai aur jo bhi risk hai usko reduce karna hai with the help of implementation of Sendai framework. All right and also to sensitize the participants about the hazard
vulnerability risk capacity assessment. Okay, so these are some objectives of this webinar. Now, if we talk about the steps taken by Ministry of Earth Sciences to curb the thunderstorm and lightning. So there is one Damini app that was developed by Indian Institute of Tropical Meteorology. और ये जो दामिनी ऐप है, इट वॉर्न्स अबाउट द लाइटनिंग 30 टू 45 मिनट्स बिफोर इट अकर्स. 30 से लेके 45 मिनट्स लाइटनिंग से पहले ही ये वॉर्न कर देता है कि लाइटनिंग आने वाली है. राइट, एंड देर विल बी देर इज अ यूज ऑफ वेदर मॉडलिंग, और वेदर मॉडलिंग का इस्तेमाल किया जाता है गाइस फॉर द प्रेडिक्शन ऑफ वेदर. और जनरली जो वेदर मॉडलिंग होती है ये अपकमिंग 10 डेज के लिए की जाती है, ताकि और इनफैक्ट कभी कभी लॉन्गर पीरियड के लिए भी की जाती है, ताकि जो है स्टेट्स और जो हमारा पूरा का पूरा देश है वो तैयार रहे टू फेस एनी काइंड ऑफ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और एनी काइंड ऑफ वोल्केनो और बाढ़ वगैरह, किसी भी चीज से बचने के लिए वेदर मॉडलिंग का इस्तेमाल किया जाता है. एंड एक डॉपलर वेदर रडार भी है गाइस, जिसका यूज किया जाता है टू लोकेट प्रेसिपिटेशन, इट्स मोशन एंड एस्टिमेट्स इट्स टाइप. जो प्रेसिपिटेशन है, जो बारिश हो रही है, उसका कितना टाइप है, उसका मोशन क्या है, कितनी ज्यादा हो सकती है और उसकी लोकेशन क्या होगी, इन सभी के लिए डॉपलर वेदर रडार यूज किया जाता है. सो दिस इज डॉपलर वेदर रडार, यू कैन सी इन द इमेज, एंड ये पूरा आउटलुक है दामिनी ऐप का. राइट, सो दीज आर द स्टेप्स टेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज. मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इज हेडेड बाय डॉक्टर हर्षवर्धन, हु इज ऑल्सो द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ओके, नाउ गाइज, इफ यू टॉक अबाउट सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, दिस इज फॉर अ पीरियड ऑफ 2015 टू 2013. It was adopted at the third UN World Conference in Sendai. So Sendai, guys, is a city in Japan, and it is a non-binding agreement, and of course India is a signatory. All right, and this framework aims to guide the multi-hazard management of disaster risk. जो हमारा disaster risk है उसका management, उसका planning, उसकी programming किस तरीके से की जाए, इन सभी को guide करना इसका objective है, इसका aim है. Okay. Now, there are four priority areas in this framework. So, number one is understanding disaster risks. So, first of all, we have to understand the quantum of risk, kis tarike ke risk ek disaster create kar sakta hai. To, kyunki jab tak hume risk ke baare mein nahi pata hoga, jab tak hume khatre ke baare mein nahi pata hoga, tab tak we can't find any solutions about that khatra. All right. Next is strengthening disaster risk governance. जो disaster risk के लिए जो भी committees होगी, जो भी infrastructure होगा, हमें उसको develop करना है, ताकि जो हमारा disaster risk है उसको बहुत अच्छे से tackle किया जा सके. Next is investing in disaster risk reduction for resilience. Resilience के लिए हमें investment करनी पड़ेगी, otherwise हमेशा risk का सामना करना is not good. हमें resilient होना पड़ेगा against the disaster risk. Alright. And last is enhancing disaster preparedness for effective response. जो भी हमें disaster के लिए prepare रहना पड़ेगा, ताकि हम बार बार हर साल मतलब किसी disaster का इंतजार ना करें कि वो disaster आएगा then we'll get ready. Right? हमें already prepare रहना चाहिए for any kind of disaster, कि अगर by chance nature वो disaster हमें देती है तो हम उसका सामना कर सके. Right? So these are the four priority areas of this Sendai framework. Now let's move on to the question. Question was, identify the incorrect statements about the steps taken by Ministry of Earth Sciences to mitigate the risk of a thunderstorm and lightning. So statement one is, Damini app has been developed to warn about lightning. Yes. Doppler weather radar is used to locate precipitation. Yes. Vidyut portal jaisa koi portal nahi hai to warn about lightning. And Ritu app for prediction of weather. No guys, aisa bhi koi app nahi hai. So therefore, the correct answer should be what? Option C, only 3 and 4. Okay guys, so that's it for the session today. I hope you like it. For more updates, do subscribe our channel and press the bell icon. Subscribe जरूर करें और bell icon जरूर दबाएं, ताकि आपको सारे live notifications मिलते रहें. आपको ये session कैसे लगा? Please do write in the comments. Thank you so much for watching. Goodbye, take care and God bless.